तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने खोट ली है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिकमी, यानी खोट किसी दूसरे की ज़मीन आपने जुताई के लिए है उसे बोलते हैं सिकमी। अगर आपने सिकमी ली है और आपका पंजीयन नहीं हो पा रहा है तो क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आप अपना पंजीयन इसमें करवा सकते हैं। तो पंजीयन के हम चलिए पूरी प्रोसेस बताते हैं कि आप पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं सिकमी वालों का। तो सिकमी वालों का पंजीयन करने के लिए आपको सेम प्रोसेस रहेगी, या तो आप एमपी किसान ऐप से करवा सकते हैं या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं, आप एमपी भूलेख से भी नहीं, सॉरी एमपी किसान ऐप से भी नहीं कर सकते, सीएससी सेंटर से भी नहीं कर सकते। आपको अपने पंजीयन केंद्र पर ही जाना होगा, क्योंकि सिकमी का एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि केवल पंजीयन केंद्र की आईडी से ही सिकमी का आप जो है वो पंजीयन हो सकता है। ना तो आप सीएससी से करवा सकते हैं ना एमपी किसान ऐप से। तो यहाँ पर हम जैसे ई उपार्जन डालते हैं, तो ई उपार्जन डालने के बाद आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी, यहाँ पर आपको डाल देना और यहाँ पर रवि 24-25 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पंजीयन केंद्र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। किसी भी जिले की आईडी से आप अपना पंजीयन यहाँ पर करवा सकते हैं उसी जिले के, ठीक है। जैसे आप मध्य प्रदेश किसी भी जिले से हो, एक ही आईडी से आप अपना पंजीयन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी जिलों का यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पंजीयन केंद्र का कोड आपको यहाँ पर प्रविष्ट कर देना है। पंजीयन केंद्र का कोड जैसे ही प्रविष्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक ओटीपी जनरेट होगा जो कि ऑपरेटर के मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है। ओटीपी किसके मोबाइल नंबर पर आएगा? ऑपरेटर के। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, तो हम इसमें फटाफट इंटर जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ओटीपी इंटर करते हैं, यहाँ पर हमने ओटीपी अपना इंटर कर दिया, यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो लॉगिन के लिए आपको जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है वो कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम अपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारी जो है वो आईडी जो है वो खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा सहकारी समिति का भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको पहले हम बता देते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। अगर आपने पिछले वर्ष पंजीयन करवाया था तो उसे रिन्यू करवाना है। अगर आपने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया था उसे नया पंजीयन पर क्लिक कर देना है। और एक किसान कोटवार का हमसे कोई लेन देना नहीं है। किसान पंजीयन में खसरा, जैसे आपने पंजीयन कर दिया उसमें कोई खसरा छूट गया तो उसे बाद में भी एड यहाँ पर कर सकते हैं। अगर किसान का गलत पंजीयन हो गया तो उसे निरस्त कर सकते हैं। किसान के बैंक की जानकारी गलत डल गई तो उसे सुधार सकते हैं। किसान का मोबाइल नंबर चेंज करना है उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी गिरदावली अपडेट नहीं हो रही तो उसमें उसका भी ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में गिरदावली जोड़े का ऑप्शन। हम बताने वाले हैं सिकमी का आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। पुराने किसान को रिन्यू करना है। पुराने किसान को रिन्यू करने के बाद उस किसान का आपको जो है वो आधार नंबर, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी से आप यहाँ पर उसे सर्च करिए, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने किसी की खोट ली है, यानी कि मैं सिकमी में यहाँ पर अपना आवेदन करना चाहता हूँ, तो मैं स्वयं का आधार नंबर, समग्र आईडी जो भी है वो डालूंगा। उसके बाद मेरी यहाँ पर जानकारी खुलकर आ जाएगी, ठीक है। मेरी जानकारी खुलने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, सभी जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर आपको आधार नंबर भरा हुआ आएगा, आधार कंफर्म आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरा हुआ आएगा, सदस्य आईडी भरी हुई आएगी। आप किसान का नाम चेंज कर सकते हैं, पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में आपको भरना पड़ेगा। वर्ग सिलेक्ट आता है, अगर नहीं आता है तो कर लीजिए। लिंग भी सिलेक्ट आता है, नहीं आता उसे कर लीजिए। बैंक की जानकारी भरी हुई नहीं आती है तो उसे भर लेना है। आईएफएससी कोड आपको डालने की जरूरत नहीं, वही उठा लेगा। किसान कोड वो खुद उठा लेगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ओटीपी एंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको, दोस्तों मेरे पास अभी कोई पंजीयन करने के लिए नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा कि आप भूमि का प्रकार आ जाएगा, स्वयं के, सिकमी की, बटाई के, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका निवास स्थान पूछा जाएगा, फसल कहाँ रखी है, तो आप उसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है गांव का नाम पूछा जाएगा कि फसल कौन से गांव में है। उसके बाद हल्का नंबर खुद उठा लेगा, खसरा नंबर भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो खुद उठा लेगा।
और आपको सबसे पहले जो अगर आप सिकवी में कर रहे हैं तो सिकवी में आपको खोटनामा है जो उसे अपलोड करना पड़ेगा, खोटदार का आधार नंबर लगेगा, उसके बाद जिस दिन की आपने रजिस्ट्री करवाई उसकी तारीख लगेगी और आपका जो है वो पंजीयन हो जाएगा। यह पंजीयन केवल आप सोसाइटी से ही करवा सकते हैं, पंजीयन केंद्र से करवा सकते हैं, सीएससी सेंटर से इसका पंजीयन नहीं हो पाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।